फ्रेंड्स नमस्ते, मैं इंद्रा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने क्या सामग्री ली है। ये मैंने आम को छील लिया है और इसे दो आम लिए हैं मैंने और इसे छील के और ये बड़े बड़े पीसेज में कटिंग कर ली है और इस आम को भी मैं अभी बड़े पीसेज में कटिंग करूंगी और ये छोटे छोटे पीसेज में गार्निशिंग के लिए कटिंग करेंगी। तो दो आम की मैंने कटिंग करी है इसके अंदर, अभी इसकी भी कर दूंगी और बड़े बड़े पीसेज में कट करके इसे हम मिक्सी के जार में मिक्स करेंगे। और देखिए मैंने क्या सामग्री ली है। ये मैंने शक्कर ली है, करीब पौन बॉल है, छोटा बॉल है, और ये दो टीस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर है वेनिला। ये देखिए ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर है, ये दो टीस्पून के करीब लिया और इसमें गार्निशिंग के लिए पिस्ते की कटिंग है। ये देखिए ये पिस्ते की कटिंग है, पिस्ते की कटिंग है और ये काजू की कटिंग है, ये काजू की कटिंग है और ये केसर वाला दूध है। तो इन सबको मिला के अभी हम कस्टर्ड बनाएंगे, मैंगो कस्टर्ड। तो आप देखिए अभी मैं ये दूध बॉईल करने रख रही हूँ, ये दूध करीब आधा किलो है तो इसे मैं ये बॉईल करने रख दिया है। अब ये बॉईल होगा तब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, तब तक हम ये आम की कटिंग करके और इसको मिक्सी में मिक्स करते हैं। ये दूध में अच्छा उबाल आ गया है, तो फ्रेंड्स देखिए दूध अच्छा उबाल आ गया है। इसके अंदर अब हम ये ठंडा दूध मैंने अलग रखा है, ठंडे दूध में ही ये कस्टर्ड डिजोल्व होता है, तो ये कस्टर्ड मैं ठंडे दूध में डाल रही हूँ और इसे डिजोल्व कर रही हूँ। इस तरीके से इसे हम घोल लेंगे। दूध उबल रहा है, थोड़ा और गैस तेज कर दी है मैंने अभी। जब हम कस्टर्ड डालेंगे तो गैस को धीरे करेंगे, थोड़ा सा गैस धीरे कर दिए नहीं तो कस्टर्ड नीचे लग जाएगा। दूध को फ्रेंड्स देखिए आप, ये गैस धीरे कर दिए और ये हमेशा हैवी बॉटम का पैन लेंगे जिसका मोटा तला होगा। ये देखिए ये मोटे तले वाला पॉट है, तो इससे क्या होगा कि कस्टर्ड नीचे लगेगा नहीं। इस तरह से कस्टर्ड को हिला के और हम डिजोल्व कर दिया है, अब इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे, इस तरीके से और हिलाते जाएंगे। ये थोड़ा सा नीचे रह जाता है कस्टर्ड, इसे भी हम डाल देंगे और इसे कंटिन्यूस हिलाना है नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और पूरा मैंगो कस्टर्ड अपना बेकार हो जाएगा। एकदम गैस सिम कर दी है मैंने, धीरे कर दी है, इसे हम इस तरीके से जल्दी जल्दी हिलाएंगे। देखिए हमारा ये मिक्सचर गाढ़ा होने लग गया है कस्टर्ड का, फिर इसे हिलाएंगे इस तरीके से ताकि ये नीचे लगे नहीं और इसमें लम्स भी नहीं पड़े, नहीं तो गुठलियां पड़ जाती है तो सारा कस्टर्ड अपना बेकार हो जाता है। इसे करीब हम दो तीन मिनट और हिलाएंगे। ये देखिए कस्टर्ड हो गया है, गैस बंद कर देती हूँ मैं, ये मैंने गैस बंद कर दी है और अब इसे हम ठंडा करेंगे, तब तक हम मैंगो प्यूरी मिक्स में बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये मैंगो प्यूरी बना लेते हैं। ये मिक्सी के जार में मैं सारे आम डाल देती हूँ और
सारे आम इस तरीके से डाल दिए मैंने। ये देखिए, और इसी के अंदर मैं ये शुगर डाल देती हूँ। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड्स। ये आधा बॉल के करीब मैंने शक्कर डाल दी है और इसे हम जार में मिक्स करेंगे। देखिए जार में मिक्स हो गई है, अब मैं इसे खाली कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आइस डाल दी है, तो ये चिल्ड पानी है। ठंडा पानी में मैं ये एक पॉट डाल रही हूँ और अब हम ये घर की क्रीम है, इसे ये घर की मलाई है 5-6 दिन की, इसे हम व्हिप करेंगे। क्रीम को हम इसके बर्फ के ठंडे पानी में इसको अच्छी सी क्रीम बनाएंगे, ये ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, देखिए फ्रेंड ये क्रीम बन गई है अच्छी सी। अब इसे हम मैंगो पल्प में मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने कस्टर्ड बनाया था, इसमें मैं ये मैंगो पल्प जो मैंने बनाया था मिक्सी के जार में, ये मैं डाल रही हूँ और इन सबको मिला के हम अब ब्लेंड करेंगे। ये सारा मैंने इस तरीके से डाल दिया और ये क्रीम भी डाल रही हूँ जो मैंने अभी बनाई थी मलाई से, ये भी डाल रही हूँ। अब इन सबको हम ब्लेंड करेंगे, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, पहले ये जो केसर वाला दूध है ये मैंने नहीं डाला था, तो मैं ये भी डाल रही हूँ। ये भी केसर वाला दूध भी डाल दिया और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। केसर सारा जम गया है तो कोई बात नहीं, इसे चम्मच से निकाल लेती हूँ। ये केसर का टेस्ट भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अब इसे हम इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। मलाई, केसर का दूध और ये कस्टर्ड कितना मस्त हो गया है। अब मैं सर्विंग बॉल में ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सर्विंग बॉल ले लिया है मैंने और सर्विंग बॉल में मैं ये सारा कस्टर्ड इसमें डाल रही हूँ। तो ये सारा कस्टर्ड बना, कस्टर्ड क्रीम और मैंगो प्यूरी सारी मैंने इसमें डाल दी है। ये देखिए, ये केसर के स्ट्रैंड्स कितने मस्त लग रहे हैं और टेस्ट में तो अच्छे लगेंगे। अब हम इसे गार्निश कर देते हैं। ये बाउल में अलग रख देती हूँ और इसे गार्निश के लिए आप देखिए, ये पहले मैं ये मैंगो डालूंगी। ये मैंगो इसमें छोटे छोटे जो चंक्स किए थे वो डाल देते हैं इस तरीके से। मैंगो के चंक्स डाल दिए
और अब हम डालेंगे ये ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आप कोई भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये ड्राई फ्रूट में मैंने ये काजू लिए हैं और ये पिस्ते की कटिंग है और ये टूटी फ्रूटी है, तो ये मैं गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। अब देखिए ये काजू डाल देती हूँ पहले, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वही डालिए, और फिर ये पिस्ते की कटिंग डाल रही हूँ। और अब ये टूटी फ्रूटी डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स अपना ये मैंगो कस्टर्ड कितना मस्त लग रहा है, आप बनाएंगे तो तारीफ ही पाएंगे सबसे। और इसे आप 1 घंटे तक फ्रिज में रख दीजिए ताकि और ठंडा हो जाए। वैसे हमने ये मैंगो सारा ठंडा ही यूज में लिया है। और मैंगो और कस्टर्ड भी बनाया है तो दूध चिल्ड लिया है यूज में, तो हम ये इस तरह से गार्निशिंग करके कितना मस्त लग रहा है फ्रेंड्स, इसको फ्रिज में रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो हमारा ये कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड और भी मस्त हो जाएगा। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।